अध्यक्ष वालों अध्यक्ष हेलो, मेरा नाम वेंटॉक से एकदम है, तो यासनाया के मार के दिखाओ कुछ तो मेरे को। चलो ठीक है यार, आते हैं यासनाया। सो हे गाइस, कैसे हो यार, आप लोग आ चुका हो एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में ऑल पे बंदे चैलेंज वगैरह कर रहे थे और मैं कर चुका था उस चैलेंज को एक्सेप्ट। तो देखते हैं भैया उस बंदे को मार पाते हैं या फिर नहीं। उसका नाम था विंटॉक्स। फिलहाल सामने कुछ बंदे होते हैं, इनको निपटाते हैं और फिर देखते हैं चैलेंजेस वाला बंदा कहाँ पे है और उनकी पूरी स्क्वाड को मैं ही मारूंगा। मैंने ये चैलेंज खुद से ले लिया था। फिलहाल सामने से फुटस्टेप आ रही है, देखते हैं इस बंदे को। अब इन दोनों को निपटाने के बाद इसका टीममेट नीचे झूल रहा होता है, तो उसको भी फिनिश करके बगल वाली बिल्डिंग पे रश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से फुटस्टेप आई थी और सामने बंदा दिख जाता है तो कर देते हैं इसको फिनिश। फिलहाल सामने जो कुछ बिल्डिंग्स है उसमें से भी फुटस्टेप आ रही है, तो थोड़ा जाते हैं उधर के साइड भी। और टीममेट मार्क करता है ये वाले घर में एक बंदा छिप रहा होता है, तो शायद से ये चैलेंजेस वाला बंदा है, देखते हैं इसको। तू चैलेंजेस वाला बंदा है क्या? तू चैलेंजेस वाला बंदा है क्या? फिलहाल इस बंदे को फिनिश करने के बाद यहां से निकल के मैं सीधा जाता हूं रिकॉल टावर के पास, क्योंकि वहां से बहुत फायरिंग आ रही थी तो चांसेस था यहां पे किल वगैरह मैं निकाल लूं। तो सीधा यहां पे आता हूं और यहां पे सामने बंदे दिखते हैं। तुम लोगों ने चैलेंज किया था ऑल पे। अब इन दोनों को निपटाने के बाद यहां से मैं सीधा जाता हूं अंदर के साइड, क्योंकि वहां से फुटस्टेप आई थी। ये बॉट होता है, लेकिन इसी वाले छत के ऊपर दो बंदे उतर जाते हैं रिकॉल होके और मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं, तो थोड़ा देखते हैं इन बंदों को भी। Watch out. अब जो बंदे छत पे उतरे होते हैं वो वहां पे कैंप करने लगते हैं, तो यहां से मैं मॉली फेंक देता हूं कि वो पीछे हट जाए। इतने में मैं क्रॉस कर जाऊं अपने टीममेट के पास जाकर उसको रिवाइव कर दूं, और देखो यहां पे कमाल, बंदा झांकता है, मैं नॉक कर देता हूं और जाता हूं थोड़ा टीममेट के पास रिवाइव देने के लिए। इतने में देखो यहां पे क्या सरप्राइज मिलेगा मुझे। अब यहां से मैं अंदर घुसने की बहुत कोशिश कर रहा होता हूं, इतने में यार ये वाली बिल्डिंग पे एक बंदा रिकॉल होके आ जाता है जो कि मुझे फिनिश कर देता है। मैं रिकॉल होके अपार्टमेंट आता हूं, सामने मुझे कूपर दिखती है और एक बंदा दिखता है, तो निपटाते हैं इसको। अब इस बंदे के पास से मुझे तगड़ी लूट मिल जाती है, इसकी व्हीकल से मैं सीधा चैलेंजेस वाले बंदों पे रश कर देता हूँ। और यासनाया आने के साथ यहाँ पे गन फायर दिखती है, तो फिर निपटाते हैं इन बंदों को। और सामने यहाँ पे दो स्क्वाड है। अब यहां से मैं ट्राई करता हूँ नेट फेंकने का, इतने में भाई गंदे तरीके से पड़ती है और नॉक हो जाता हूँ। और देखो किस बंदे ने नॉक किया है, वही चैलेंजेस वाला बंदा है। तो जल्दी से पहले यहाँ पे रिवाइव होते हैं और निपटाते हैं इस बंदे को, और इसकी पूरी स्क्वाड को मैं निपटाऊंगा, क्योंकि भाई नॉक कर दिया है इसने मुझे, ईगो पे बात आ गई है। फिलहाल टीममेट पास में होता है, यहां पे मुझे रिवाइव मिल जाता है। मैं सामने की तरफ आता हूं बंदों पे रश करने के लिए, लेकिन बंदे फॉल बैक कर जाते हैं। इतने में सामने स्मोक दिखता है, मैं टीममेट को कॉल देता हूं मेरे पास आने के लिए और सीधा रश कर देता हूं इन बंदों के ऊपर। और जो सामने वाला बंदा होता है वो भी रश कर देता है मेरे पे। बस तुम देखो यहां कमाल, तूने ही ऑल पे चैलेंज किया था क्या? फिलहाल ये वो बंदा नहीं होता, इसको निपटा देते हैं। और उसके जो टीममेट होते हैं भड़क के हम लोग पे रश करने लगते हैं, तो देखो कैसे निपटाते हैं इनको। अब यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, दूसरे इसके टीममेट को मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया था। इधर के साइड सब क्लियर हो चुका था, उसके बाद हम लोग को यहाँ से निकल के जाना था पोचिंकी के साइड। इतने में सामने की तरफ से गनफायर आई थी, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहीं पे मिलेंगे चैलेंजेस वाले बंदे और पूरी की पूरी स्क्वाड है उनकी यहाँ पे।
form up on me. एक बुलेट भी नहीं लगा था और नूबड़ा बोलता है साला तू नूबड़ा। फिलहाल उसका टीममेट यहां से रश कर रहा होता है तो निपटाते हैं इसके टीममेट को। इसका लास्ट टीममेट आता है, कर देते हैं उसको फिनिश। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके कर दो। फिलहाल वहां से निकल के ये वाली जगह पे आता हूं, सामने स्मोक दिखता है और कुछ बंदे दिखते हैं तो निपटाते हैं बारी बारी करके। अब यहां जैसे तैसे करके मैं किल निकाल लेता हूं। इतने में यार टीममेट को बताता हूं कि सामने की तरफ एक बंदा छिपा हुआ है पेड़ के पास, मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखी थी। मैं उसको यहां से ट्राई करता हूं मारने का, जब नहीं मारता तो सीधा रश करते हैं उसके ऊपर। अब पहाड़ी पे भी एक बंदा होता है जो कि वहां से स्नाइपर से फायर कर रहा होता है। फिलहाल सामने जो बाइक से बंदा आया था वो आके जाके रुक चुका है तो देखते हैं इस बंदे को। अब यहां स्नाइपर वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूं, इतने में तीन नंबर भी नॉक हो जाता है और जिस बंदे ने तीन नंबर को नॉक किया था वो रश कर रहा है तो निपटाते हैं उस बंदे को। और प्री फायर के साथ रश कर रहा है ये बंदा। भाई तुम प्री फायर दोगे और मार दोगे क्या, नूब समझे हो। फिलहाल यहां पे जल्दी से हील करता हूं इस बंदे को, फिनिश करके टीममेट को रिवाइव देता हूं और यहां से निकल के जाता हूं जोन के अंदर। इतने मालूम चलता है कि पहाड़ी पे एक बंदा आ चुका है तो जाता हूं मैं इसको फिनिश करने। इतने मालूम चलता है जो पहाड़ी वाला बंदा वो पीछे जा चुका है, दिखना बंद हो गया है तो उसके ऊपर मैं दिमाग नहीं लगाता हूं। इतने में बगल से फायरिंग आ रही होती है तो टीममेट को बैठाता हूं गाड़ी के अंदर और सीधा रश कर देता हूं उधर के साइड में। और सामने की तरफ दो स्क्वाड की फाइट हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ से ट्राई करते हैं थर्ड पार्टी करने का। और सामने ड्रॉप भी गिरा है तो चांसेस है यहाँ पे बंदे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका है। दूसरा बंदा निकलता है, उसको यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, ऑलमोस्ट नॉक होने वाला था। फिलहाल जल्दी से हील करते हैं, टीममेट को रिवाइव देते हैं और रश करते हैं सामने वालों पे। अब देखो हम लोग यार ओपन में फंस चुके होते हैं, जो सामने वाले बंदे थे उनके पास में अच्छा खासा रिच का कवर था और पीछे भी एक बंदा था पहाड़ी पे जिसको मैंने छोड़ के आया था। हम लोग को डर ये भी था कि वो पीछे से कहीं हम लोग को ना मार दे। फिलहाल जैसे टीममेट रिवाइव होता है मैं रश कर देता हूँ सामने वालों पे और देखो यहाँ पे सीन तुम। अब यहां पे एक को नॉक करने के बाद सामने मैं मॉली फेंक देता हूं कि वो अपने टीममेट को रिवाइव ना कर सके। इतने में दोनों को जाकर निपटा दूं और देखो सीन तुम। और वैसा ही होता है, फिलहाल यहां पे मैं दोनों को निपटा देता हूं और इतने में अपने टीममेट को ज्यादा होता हूं रिवाइव करने के लिए। यहां पे एक सांप लेटा होता है और खा जाता है भाई मुझे। फिलहाल लॉबी आता हूं और टीममेट का रिएक्शन सुनो। हेलो मेरे फ्रेंड को भी एक्सेप्ट कर लेना, बहुत अच्छा तुमने से सीखी है इतनी अच्छा करने की। 22 किल गई थी मेरे बॉडी 7 किल हुई। तो हाँ गाइस आज की वीडियो में बस इतना था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।